आते हैं वहीं से ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से कि क्यों इनको अपने नाम बदल के काम करना पड़ा। और आज आलम यह हो गया है कि खान बॉलीवुड का नाम लो तो ऊपर टॉप पे आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, लड़कियां नायिकाएं सारी हिंदू। ये ट्रांजिशन इस तरह कैसे हुआ? जी जी शुभम भाई, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि किस प्रकार से भारत का जो रंगमंच है उसको किस प्रकार से बेहतरीन एक जामा पहना करके आपने जो नाम लिया था जी, और उसके बाद हाथ कहा था, तो उसका जामा पहना करके कैसे वो लोग उतरते चले गए। तो यह तो दुर्भाग्य इस देश की खुफिया एजेंसियों का उस समय पर ध्यान भटक रहा था, कहीं और ध्यान था, और हमारे देश के पास संसाधनों की बहुत कमी थी। देश इमरजेंसी से भी जूझा और देश काफी सारे ऐसे चाइना ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान लगातार, तो हमारी खुफिया एजेंसी वहां व्यस्त थी। इसी के बीच बॉलीवुड पर बहुत मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत के जितने भी बड़े दंगे हुए हैं, भारत के जितने भी बड़े ब्लास्ट हुए हैं भारत के अंदर, इसकी जड़ यहां से रही है। कोई सा भी आप बम ब्लास्टर ले लीजिए, कोई सा भी आप दंगा ले लीजिए, उसकी जड़ बॉलीवुड से रही है, और वो खास करके ऐसे परिवारों से रही है। आप जानते होंगे नरगिस का बेटा था जिसने मुंबई में कहां कहां पर हथियारों के ट्रक सप्लाई किए, बाद में उसे किसी राजनीतिक सत्ताओं ने उसको संरक्षण दिया और वो बाहर निकल करके आज भी बायोपिक बनती है उसकी, और उस पर 300 करोड़ रुपए वो कमा करके चला जाता है और लोग उसके प्रति सिंपैथी का गेम करते हैं। पूरा का पूरा जो वातावरण निर्माण हुआ हमारी खुफिया एजेंसी उस समय पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन आज ये देखिए आज कलाइयां खुल रही है। देश की शीर्ष अभिनेत्रियां, शीर्ष अभिनेता, अभिनेता और अभिनेत्री की जगह अगर इन्हें बहरूपिया कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहरूपिया अच्छा शब्द है इनके लिए, अभिनेता और अभिनेत्री नहीं है ये बहरूपिया है। तो ये बहरूपिया और बहरूपिया ये दोनों आगे रडार पर, सबकी व्हाट्सएप कॉल और अन्य अन्य जो, और तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसी ऐसी गंदी वेबसाइट है इनके मोबाइलों में सर्चिंग में मिली कि आप सोच नहीं सकते। मुझे मेरे शिष्य यहाँ पर बहुत बड़े पुलिस अधिकारी मुंबई में, वो बताते हैं कि स्वामी जी को अभिनेत्री का चेहरा देखने लायक था, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, और वो कह रहे थे कि कितना चाहिए, बोले मैं चेक में दूं, कैश में दूं, काई में चाहिए, आप बोलिए कहाँ पर ये मोबाइल का ये डाटा सिर्फ रिपोर्ट में मत दर्ज कीजिए, आप देख लो बोले, लेकिन इसे रिकॉर्ड में डालो। लेकिन भारत का सरकार ने एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है, तो कभी ये भारत का सरकार जब ओपन करेगी तो बड़ा मजेदार और उस पर पूरी पुस्तकें लिखी जाएगी, क्योंकि इतनी भद्दी और इतनी गंदी चीजें उसमें थी जो मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में किसी के मोबाइल में होगा। ऐसे ऐसे नशे इन्होंने किए, ऐसी ऐसी हरकतें इन्होंने की, ये एकदम से साइको लोग हैं, और इसी की वजह से देखिए कि इन साइको लोगों ने इस देश के अंदर बहुत नुकसान करवाया है, हमारे देश की सभ्यता का, देश की सुरक्षा का। शुभम भाई फिर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं सभी लोगों को कहता हूं कि आप जिन्हें हीरो और हीरोइन समझ रहे हैं, जिन्हें नायक और नायिका समझ रहे हैं, वे सिर्फ बहरूपिया और बहरूपिया हैं, वो नायक भी नहीं है। भगत सिंह जी जिन्होंने 60 से अधिक दिन तक भूख हड़ताल करी लाठी खा करके, भगत सिंह जी के एक और साथी थे उनके गुरु ही कहले रामप्रसाद बिस्मिल, वो मार खाते थे तो शेर और शायरी निकलती थी उनके मुख से, वो मार खाते तो कहते थे अंग्रेज अधिकारियों के ये जितने घाव हैं सीने पर ये सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं, क्योंकि कोई को लट पड़ेगा तो शेर निकलेंगे क्या। लेकिन ये एक अलग व्यक्तित्व था जिसको लट पड़ते तो शेर निकलते थे मुख से। भगत सिंह जी और अन्य साथी उनके जब ट्रांसफर हो रहे थे अन्य लोग इधर उधर, तब कई सारे साथियों ने रामप्रसाद बिस्मिल जी से कहा था कि कुछ हमें तोहफा दो, तो मात्र 30 मिनट के अंदर उन्होंने एक गीत लिखा जो आज भी देशभक्तों की जबान पर रहता है। शुभम भाई, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान, जिसे पहन झांसी की रानी लुट गई अपनी, ऐसा गीत लिखने वाले रामप्रसाद बिस्मिल वो नायक थे। ये नायक नायिका ये नहीं है जो अगर एक फोन में कर दो तो वो पेंटे खराब कर लेते हैं, ये नायक और नायिका है, ये बहरूपिया है, ये दाऊद के किसी गुर्गे का फोन आ जाता है मुंबई की किसी झुग्गी बस्ती से तो ये लोग 8-8 दिन तक देश छोड़ करके भाग जाते हैं। आपको पता ही होगा कि अभी सुशांत सिंह के केस के समय पर ये हीरो हीरोइन ने गोवा चले गए थे, फिर वहां से पुलिस ने स्पेशल प्लान कर करके ये लोग आए थे, डर की वजह से भाग गए थे सब, तो ये इतने डरपोक ये नायक भी नहीं, हमारे शुभम भाई जो यहाँ पर बैठे और वाईटी की धाराओं को इतना ध्यान में रखते हुए भी काम करते हैं, इतना बड़ा कोई संसाधन नहीं है, लेकिन शुभम भाई फिर भी काम करते हैं। नायक तो आप सभी लोग हैं जो साइबर सिपाही को इतनी रात को देखते हैं, ये प्राइम टाइम नहीं है इस देश का, लेकिन इसे आपने प्राइम टाइम बना दिया। मुझे एक सर्विलांस कंपनी है उसके अधिकारी का फोन आया, बोले साइबर सिपाही आपका, मैंने कहा जी हमारे ही भाइयों का, शुभम भाई का है, हम उसमें उनके साथ काम करते हैं, तो वो बोले इसका तो रीच वेरी हाई जा रहा है, मैंने कहा आपको कैसे पता, तो बोले हम सर्विलांस करते हैं, हम इन चीजों को देखते रहते हैं और ऊपर कंपनियों को ये जो एडवर्टाइज कंपनी होती है उनको हम डाटा देते हैं, तो बोलते हैं कि यूट्यूब ने इनका बहुत सारा व्यूज नहीं दिखाया, वरना बोले ये देश के टॉप 10 यूट्यूब चैनलों में आ सकता है, तो इतना इतना चैनल को प्यार देने वाले आप सभी दर्शक नायक हैं, इतनी रात को सोचिए।